बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। जो आप एक पिलर पीड़ित सदस्य को मौका दिए बोलने का, क्योंकि पिलर पीड़ित जी मैं उस पिलर के पीछे मेरी सीट वो स्तंभ है। चलिए, और इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता हूँ। पिलर पीड़ित, खंबा पीड़ित। चलिए चलिए, आप बात रखिए, एक मिनट के जी, जी मैं अपनी बात रख लूंगा एक मिनट जी। तो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और जैसे मैं पिलर पीड़ित हूँ, वैसे ही मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है आजमगढ़, वो भी पिलर ही पीड़ित था। इस वजह से सरकार का वहां ध्यान कभी पहुंचा ही नहीं। और अध्यक्ष जी, जैसे काशी विश्वनाथ का पर्यटन की दृष्टि से विकास हुआ, जैसे गोरखपुर धाम का विकास हुआ, वैसे ही भैरवनाथ धाम आजमगढ़ में है और उसका भी पर्यटन की दृष्टि से विकास होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। तो आजमगढ़ की देवतुल्य जनता ने पिलर ढा दिया है ताकि सरकार का ध्यान वहां पहुंचे। तो कृपया आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आजमगढ़ का भी विकास पर्यटन की दृष्टि से हो, क्योंकि वहां चंद्रमा ऋषि, दुर्वासा ऋषि, माता अनुसुईया के पुत्र उनके आश्रम है, जो नदियों के कटान से खत्म होने वाले हैं। तो कृपया उसका संपूर्ण विकास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।